अ ब्यूटिफुल आउटसाइड स्टार्ट्स फ्रॉम अ हेल्दी इनसाइड। अर्थात अगर आपको बाहर से खूबसूरत दिखना है तो अंदर से आपका शरीर स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। और हेल्दी रहने के लिए हम क्या क्या नहीं करते, अलग अलग तरीके के उपाय है हमारे पास। मेरे पास भी एक उपाय है। मेरा उपाय बहुत ही टेस्टी है और आसानी से घर पर बन जाता है। एट द सेम टाइम दिन के किसी भी वक्त इसे आप आराम से खा सकते हैं या यूं कहें पी सकते हैं। आज हम बनाएंगे 3 हेल्दी स्मूदीज जो होंगी एब्सोल्युटली यमी। पहली है ग्रीन स्मूदी, दूसरी वीगन और तीसरा फ्रूट स्मूदी। शुरू करते हैं सबसे पहले वीगन स्मूदी से। अब ये वीगन या वीगनिज्म क्या होता है? कई ऐसे लोग हैं जिनका मानना है कि कोई भी एनिमल प्रोडक्ट हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पे मीट, दूध, दही, मक्खन, घी, ये सब नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसी सूरत में अगर आपको एक स्मूदी बनानी है तो दूध की जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं ओट्स मिल्क। ओट्स मिल्क बनाने के लिए सबसे पहले हम ओट्स को ड्राई ग्राइंड करेंगे। इसे करेंगे बंद और इसे ग्राइंड करने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ बजाज NX01 जो आता है 300 वॉट टाइटन मोटर विद कॉम्पैक्ट डिजाइन एंड न्यूट्री प्रो फीचर के साथ। ये ग्राइंड हो गया ना। NX01 का ये जो जार है और उसके ऊपर ये जो अब टाइट फिटिंग लिड लगी है, ये देता है कन्वीनियंस। किस चीज की? ग्राइंड एंड स्टोर। मैं इसे डाल रहा हूं हमारे ब्लेंडर जार में और इसमें हम डालेंगे फ्रिज का ठंडा चिल्ड वाटर। चिल्ड वाटर इसलिए डालते हैं क्योंकि जब हम इसे ग्राइंड करेंगे, अगर आप रेगुलर वाटर या वार्म वाटर यूज करेंगे स्लाइमी हो जाएगा, इसलिए ऑलवेज फ्रिज का ठंडा पानी। इसे अब हम ब्लेंड करेंगे। और हमारा ओट्स मिल्क या वीगन मिल्क तैयार है। अब इसे सिर्फ हमें छानना है। छानने के लिए मेरे पास ये बारीक सा एक बैग है। आप चाहें तो इसे रेगुलर स्ट्रेनर या फिर मलमल के कपड़े से भी स्ट्रेन कर सकते हैं। ये देखिए, जेंटल स्क्वीज, बहुत ज्यादा स्क्वीज ना करें, जरा सा हल्का सा स्क्वीज और हमारा वीगन मिल्क तैयार। इसे रखते हैं इस तरफ और अब बनाते हैं हमारी वीगन स्मूदी। देखिए, वीगन स्मूदी के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं बनानास। और अगर आपके पास ओवरराइप बनानास हैं, दे आर द बेस्ट। ब्रेक अ बनाना गोज इन। फ्लेवर के लिए इसमें हम डालेंगे सिनेमन। बनाना एंड सिनेमन इज अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। इसमें जाएगा थोड़ा सा वनीला, कोको पाउडर, पीनट बटर। आप स्वीटेंड, अनस्वीटेंड, चंकी एंड क्रीमी कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ थोड़ी सी शुगर। नाउ शुगर ऑप्शनल है क्योंकि कई बार बनाना काफ़ी स्वीट होता है। इसमें जाएगा ओट्स मिल्क। नाउ लेट्स जस्ट ब्लेंड इट। ये तैयार है, चलिए इसे पोर करते हैं। वीगन स्मूदी तैयार है। अब चलते हैं ग्रीन स्मूदी की तरफ। ग्रीन स्मूदी बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं पालक के पत्ते, पुदीना, केल के पत्ते और मुरिंगा, जिसे हम सहजन के पत्ते भी कहते हैं। ये मेन है। साथ ही इसके साथ मैं इस्तेमाल कर रहा हूं क्यूकम्बर। क्यूकम्बर को भी छिलके समेत। क्यूकम्बर को हम रफली कट कर लेंगे। साथ ही मैं इस्तेमाल कर रहा हूं एप्पल का, जस्ट रफली कट इट। हम एप्पल को इसमें डालेंगे, क्यूकम्बर, मेरे पास हैं थोड़े कैश्यू नट्स जिसे मैंने भिगो के रखा था, थोड़ी सी सेलरी, मामूली सी अदरक, थोड़ा सा लेमन जूस एंड अ डैश ऑफ चिल्ड वाटर। इसे अब हम ग्राइंड कर लेंगे। फिलहाल पत्ते नहीं डालने, पत्ते डालेंगे टुवर्ड्स द एंड, एक क्विक ग्राइंड देंगे उन्हें ताकि उनका कलर और न्यूट्रिशन बरकरार रहे।
अब इसके अंदर हम डालेंगे पालक के पत्ते, पुदीने के पत्ते, थोड़े मुरिंगा के पत्ते और केल लीव्स। अब केल लीव्स की जो स्टॉक होती है इसको नहीं डालना, ये काफ़ी कड़क होती है, फाइबरस होती है। इसके जो पत्ते हैं उनको यूँ हाथ से तोड़कर हम डालेंगे। नाउ अगेन थोड़ा सा चिल्ड वाटर, क्लोज दिस और अब इसे हम ब्लेंड करेंगे। और ये तैयार, हमारी हेल्दी एंड ग्रीन स्मूदी रेडी है। बजाज NX01 के साथ ही आते हैं ब्लेंड एंड कैरी जार्स एंड लिड्स। मेरे पास है ये सिपर लिड जिसे मैं यूं लगा सकता हूं और अब ब्लेंड करने के बाद इसे मैं कहीं भी अपने साथ कैरी कर सकता हूं। चलिए इसे पोर करते हैं। और हमारी ग्रीन स्मूदी तैयार। अब चलते हैं फ्रूट स्मूदी की तरफ। फ्रूट स्मूदी बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं मेलन्स का और साथ ही हमें चाहिए फ्रेश कोकोनट वाटर। हम डालेंगे मेलन्स स्ट्रेट इनटू द जार। इसमें जाएगा दूध, आप चाहे तो इसके अंदर ओट्स मिल्क या आलमंड मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हनी, थोड़ा सा चॉप सेलरी, मामूली सा अदरक, ये है नटमेग, जायफल का पाउडर और काली मिर्च का पाउडर, अ डैश ऑफ वनीला और इसमें जाएगा ताजे कोकोनट का पानी। ना लेट्स जस्ट ब्लेंड दिस। फ्रूट स्मूदी तैयार है, चलिए इसे पोर करते हैं। और हमारी फ्रूट स्मूदी तैयार है। और हमारी हेल्दी स्मूदीज डन।